हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल माई स्मॉल गार्डन में। फ्रेंड्स, ये वही सीम का पौधा है जिसे मैंने 1-1.5 महीना पहले रिपोर्ट किया था इस बास्केट में, और इसे मैंने किस तरह से सीड से उगाया था और किस तरह से रिपोर्ट किया था उसका जो है मैंने वीडियो पहले से डाल रखा है, आप उसे मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, उस समय जब मैं लगाई थी तो 3 पौधे थे, तो अभी भी 3 ही है, जिसमें उस समय जो है एक मुरझाया हुआ था, लेकिन अब जो है देखिए वो तीनों ठीक हो गए हैं और अब जो है ये फल भी देने देना जो है शुरू कर दिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड, जब मैंने इसे लगाया था तो उस समय जो है सीम का जो सीजन है वो ज्यादा हो चुका था, मतलब वो उस समय तो फल देने लगा था। जिसने भी लगाया होगा सीम का प्लांट, तो उस समय मैंने इसे उगाना ही शुरू किया था, तो ये जो है काफी छोटा ही है और फल देना शुरू कर दिया है, क्योंकि सीजन आ जाने के बाद जो है प्लांट जो है ज्यादा फैल नहीं पाते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होता है, फल तो मिल ही रहा है। तो ये आप देख सकते हैं ये किस तरह से है, ये देखिए, इसमें भी ये भी पूरा जाड़ा जो है इसमें फल आएंगे। देखिए, फ्रेंड्स, फर्टिलाइजर की बात करें तो मैंने कोई ज्यादा खास तो फर्टिलाइजर कुछ नहीं डाल पाई, क्योंकि ठंड इतनी है कि छत पर आने का जो है मन नहीं करता है। तो फिर भी मैंने जो है 15-15 दिन के अंतराल पे जो है मैंने इसमें सरसों खली लिक्विड फर्टिलाइजर और एक बार जो है मैंने इसमें सीव्यूट्स डाला था। तो फ्रेंड्स, मैं अभी तक जो है 2 ही तरह के फर्टिलाइजर मैंने यूज किया है, तो इस हिसाब से तो फल अच्छे ही लगे हैं। फ्रेंड्स, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।